इन दिस मॉड्यूल डिस्कस टाइप्स ऑफ genetic वेरिएशंस हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर ये देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी वजह म्यूटेशन हो सकती है इसकी वजह जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकती है इसकी वजह जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है या माइग्रेशन अब बहुत सारी वेरिएशंस मेल और फीमेल के अंदर भी होती हैं यानी सेक्चुअल डायमोफिज पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो करेक्टर है वो वेरी कर रहा होता है कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो कि आल दो मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं किसी एक सेक्स के अंदर अब दो किस्म के सेक्स करेक्टर होते हैं एक प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स और दूसरे सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स प्राइमरी सेक्स करेक्टर ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है जैसे जेनिटेलिया, जैसे गोनेड्स ओवरीज लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं ये ऐसे करेक्टर्स हैं जिनकी मदद से मेल और फीमेल को सेपरेट किया जा सकता है इनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता आमतौर पर जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं, ये जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट हो रहा होता है उस वक़्त ये वाज तौर पर नजर आते हैं लेकिन जो प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं तो मार्फोलॉजिकल ट्रेड्स के बेस के ऊपर मार्फोलॉजी के बेस के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है लेकिन प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स की मदद से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि आया कि ये इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है इसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं इसकी बेस के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सेकेंड सेक्स करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है हमिंग बर्ड है या जो डक है इसके अंदर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर इस डिफरेंस की वजह से बहुत सालों तक मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को सेपरेट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा Until के जो इकोलॉजिस्ट हैं रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के बाद यह साबित किया कि ये इंडिविजुअल्स बेसिकली सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं जिसकी एक सेलिब्रेटेड जो एग्जाम्पल है वो किंग पैरट की है एक रोटेटस अगर हम किंग पैरेट के एग्जाम्पल्स को देखें तो इसके अंदर मेल जो है इसका कलर ग्रीन है और इसकी बिल ऑरेंज कलर की है जबकि अगर इसी पैरट की फीमेल को हम देखें तो उसका कलर रेड है और इसकी बिल ब्लैक कलर के अंदर है 1776 के अंदर इनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर डिस्कवर किया गया और तकरीबन हंड्रेड ईयर्स तक इन मेल और फीमेल्स को जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से था इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा अंटिल 1873 सेवेंटी जबकि जो इकोलॉजिस्ट थे रिसर्चर्स थे उन्होंने डिटेल स्टडीज की और डिटेल स्टडी के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया कि ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं इसकी बेस के ऊपर ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है बल्कि इनके अंदर ये इंडिविजुअल डायमोफिज है, है जिसकी वजह से इनके कलर के अंदर डिफरेंस है लेकिन बेसिकली ये दोनों इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो इस तरीके से जो सेक्सुअल डायमार्फिज है इसके नतीजे में जो ऑर्गेजम्स के अंदर डिफरेंस आता रहा उसकी वजह से जो टेक्सॉरमिस्ट थे जिनका एक्सपीरियंस अभी कम था वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर करते रहे लेकिन डिटेल स्टडी के बाद पता चलता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है बल्कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं ये वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशंस थी